हेलो फ्रेंड, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं मिक्स वेज के साथ डुबकी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट सब्जी है, आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं बरबट्टी ली हूँ, 5-6 ली हुई हूँ, और इसको क्या ना बड़े बड़े ही टुकड़े में काट ली हूँ और इसका रेसा हटा ली हूँ, और बहुत मस्त है। जितनी भी मैं यहाँ देख रही हूँ ना सब्जी, आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं और कोई भी सब्जी ले सकती हैं। यहाँ गाजर मैं एक छील कर ली हुई हूँ बड़े टुकड़े में, और एक शिमला मिर्च ली हूँ, इसको भी बड़े ही साइज में काट ली हूँ, और सीम आती है ना उसको भी मैं 5-7 यहाँ मैं सीम ली हुई, इसका रेसा हटा कर बड़े ही टुकड़े में काट ली हूँ इस तरह से देखिए। और यहाँ मैं फूल गोभी ली हुई हूँ 2 मुट्ठी, इसकी भी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, सीजन में जो हरी वाली जो मटर आती है रे, उसको मैं ली हुई हूँ 1 से 1.5 मुट्ठी, ले लीजिए या कम ज़्यादा जैसा मन वैसा कीजिए। और नया वाला आलू आता है ना अभी ठंडी में, वो मैं 1 से 2 ले ली हूँ, उसको छील कर बड़े बड़े टुकड़े में ही काट ली हूँ। और 2 बैंगन ली हुई हूँ, और इसको भी धो के बढ़िया से बड़े बड़े ही टुकड़े में मैं काट ली हूँ। यहाँ पर मैं जो भी सब्जी ले रही हूँ मैं अपने हिसाब से ली हूँ, आप अपने पसंद की सब्जी यहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं, और जितना आप मात्रा डालना चाहें आपका अपनी इच्छा है। ये इतनी सारी सब्जियां मैं ली हुई हूँ, इसमें और सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कम सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आपका अपनी इच्छा है, पर बहुत अच्छी लगती है। और जितनी भी ये सब्जी है ना, मैं देखिए सबको कुकर में डाल दूँगी इस तरह से। देखिए गाजर में डाल दी, बड़ा बड़ा ही टुकड़ा मैं काटी हुई हूँ, और आपको मैं बताई ही कि आप सब सब्जी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकती हैं, या जो पसंद नहीं आता उसका यूज नहीं कर सकती हैं, और जो पसंद है आपको उसको यूज कीजिए। ये इतनी मस्त सब्जी बनती है, आपको दिखाऊंगी, बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और खाने में बहुत मस्त लगती है। देखिए इन सारी सब्जियों को मैं इस कुकर में डाल रही हूँ, देखिए इस तरह से आप डाल दीजिएगा, और इतनी मस्त सब्जी है देखिएगा। ये देखिए मैं डाल दी, और ये फूल गोभी और शिमला मिर्च को मैं थोड़ा लास्ट में डालूंगी जब कुकर में उतार लूंगी ना, इसको थोड़ा सा देखिए इसमें पानी में डाल दी, बस 1 सीटी ही दूंगी, इसको ज़्यादा नहीं दूंगी, जैसे बजने वाला होगा वैसे ही मैं इसको उतार दूंगी, या 1 सीटी ही आप दे दीजिएगा, और इसका प्रेशर डाउन करके तुरंत मैं गोभी और शिमला मिर्च डाल दूंगी। देखिए इस तरह यहाँ पर फूल आँच में मैं इसको चढ़ा दी हूँ इस तरह से, और इसका बस सीटी मारने का बस इंतज़ार करना है। देखिए सीटी लग गई, गैस चूल्हा पूरी तरह से ऑफ कर दीजिए, और थोड़ा देर इसको इसी तरह से छोड़ कर इसका प्रेशर जब थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर इसमें ना फूल गोभी और ये शिमला मिर्च जो ली हुई हूँ ना, इसको इसी में डालकर इसके भाप में मस्त पकती रहेगी, अच्छी रहेगी। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, पूरा घुल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए मैं इस तरह से फूल गोभी भी डाल दी और शिमला मिर्च भी डाल दी, दोनों बहुत जल्दी पक जाती, थोड़ा सा भाप इसमें लगेगा बस मस्त पक जाएगी। इसको मैं इसी तरह से साइड में रख दूँगी। अब देखिए क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं 4 टमाटर ले ली हूँ बड़े साइज का, इसको रफली ही काटी हुई हूँ देखे यहाँ पर, और 1 मुट्ठी में भर के यहाँ पर लहसुन ली हुई हूँ, इसको छील कर यूज कर रही हूँ, और इन दोनों को पीसना है। देखिए बहुत मस्त लगेगी ये इस तरह से। पहले मैं मिक्सी के पॉट में लहसुन डाल दी, और 4-5 इसमें थोड़ा टमाटर ज़्यादा लगता है, आप 4-5 टमाटर डाल दीजिए, बहुत मस्त बनेगी इसकी सब्जी। देखिए इस तरह दोनों को मैं डाल दी और इसको पीस दी हूँ इस तरह से, बारीक एकदम पीस लीजिएगा, बहुत कम टाइम में ये पिसा जाती है। और यहाँ पर मैं देखिए सरसों का तेल ली हुई हूँ 2 से 3 चम्मच, या जितना आप खाना पसंद करती हैं उसके हिसाब से यहाँ पर तेल ले लीजिए। और देखिए गैस चूल्हा पे मैं रख दी हूँ कढ़ाई, नॉनस्टिक कढ़ाई, और इसमें तेल को बस गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ। अब ये गर्म बहुत अच्छे से हो जाएगी ना, तो आप इसमें जीरा डाल दीजिए 1/2 चम्मच या 1 चम्मच जैसा पसंद आता है। देखिए मैं यहाँ पर जीरा डाल दी,
इस तरह से तेज पत्ता भी डाल दी, धोकर मैं यूज करती हूँ। और यहाँ देखिए हरी मिर्च और प्याज एक लेकर इसको रफली ही काटी हुई हूँ, बहुत बारीक नहीं काटी हूँ। और इसको देखिए इस तरह से इसको चला दूँगी, फूल आँच नहीं रखिएगा, थोड़ा इसको कम कर लीजिएगा। अपने से जब थोड़ी सी गलती है ना प्याज तो बहुत सुंदर लगता है सब्जी, नहीं तो क्या जला जला जैसा लगता है, वो मज़ा नहीं आता है। और ये जो टमाटर और लहसुन जो छिली थी ना, इसको भी डालकर इसमें बढ़िया से भूनना है। देखिए इस तरह से मैं जैसे कर रही हूँ, इसको देखिए कितना मस्त बनेगा। इस तरह से देखिए टमाटर और लहसुन दोनों डालकर इसको बस चलाना है। अब आँच को क्या है ना, कभी कम पे कभी ज़्यादा पे, तो कभी फिर कम करके इसको अब भून लीजिए। बहुत सुंदर से इसको देखिए लगातार चलाइएगा, जलना नहीं चाहिए, तले पे बैठना नहीं चाहिए। नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, मैं यहाँ फास्टिंग वाला ही नमक खाने में यूज करती हूँ, वही डाल रही हूँ। आप रेगुलर वाले भी नमक डाल सकती हैं। हल्दी थोड़ा 1/4 चम्मच ले ली और मिर्च पाउडर भी स्वाद अनुसार ले ली। इन सब को डालकर बहुत अच्छे से इसको भून लेना है। मसाला जितना अच्छा भूनेगा सब्जी आपकी उतनी अच्छी बनेगी, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। और ये देखिए मैं यहाँ पर सब्जी मसाला या चिकन मसाला जो आपके पास है वो डाल दीजिए इसमें, आधा से एक चम्मच देखिए इसमें डाल दी हूँ मैं। और इसको इसी तरह से लगातार चला रही हूँ, उसको अच्छे से भून लेना है। और जो मिक्सी के पॉट में मैं टमाटर लहसुन डाली थी ना पीसने के लिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दी हूँ। और ये देखिए मेरी ये उड़द दाल है, उड़द दाल जो मैं एक बॉल रखी हुई जो डुबकी बोल रही थी ना, मिक्स वेज संग डुबकी, ये मेरी उड़द की दाल है। 4-5 घंटे अच्छे से मैं इसको फूलने के लिए दी थी। ये बहुत सुंदर से ये फूल गई है, इसको मुझे पीस लेना है मिक्सी के छोटे से पॉट में, बिल्कुल बारीक नहीं, हल्का सा थोड़ा सा दरदरा रहे इतना ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से पीस लीजिएगा, बहुत अच्छा से पिसा गई है। और इसको क्या है देखिए मैं खाती हूँ, इस तरह का पिसा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा बस पानी डाल के मैं इसको पीस ली थी। अब इसको बॉल में मैं निकाल लूँगी बहुत अच्छे से। अरे मसाला हमारा देखिए कितना अच्छा से भून रहा है, इसको और अभी भूनना है। जब ये तेल छोड़ने लगेगी ना तब भी परफेक्ट बन जाएगी। देखिए इस तरह से इसको लगातार आप चलाइएगा। कभी मैं आपको बताई कि कभी आँच कम पे कर लीजिएगा, फुल पे तो मीडियम पे, जो मैं मिक्सी का पाउडर धोई थी उसी में देखे पानी डाल दी थी, एक बॉल डाल दी है, एक बॉल और पानी डाली, दो बॉल मैं इसमें पानी इस तरह से डाल दी हूँ। इस तरह से देखे इसको मसाला बहुत अच्छे से भून गई थी। इसमें आपको मैं बताई कि मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही सब्जी टेस्टी लगेगा, इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से मैं इसको चला दी, आई खोलने लगी ना, अब देखिए क्या करती हूँ, कमाल, बहुत एक बिल्कुल नई तरह से सब्जी है और बहुत अच्छी है। देखिए मैं उड़द दाल ले इसको पीस ली थी और इसको बहुत अच्छे से मैं फेंट ली हूँ। अब हाथ में क्या है ना, थोड़ा पानी लगा लेना है और जैसे हम बड़ी बनाते हैं ना उसी तरह से इसको लेना है और इसी में बड़ी बना देना है। बड़ी का साइज आप छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद आता है वैसा रखेगा। बस इसको कब बनाना है, जब ये रस पूरी तरह से खौलने लगे, देखिए कितनी खौल रही है ना, इसी तरह से खौलनी चाहिए। इस तरह से खौलते हुए रस में आप इसको बड़ी बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये डुबकी की सब्जी है, इसको छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसको क्या है ना, दही या टमाटर के साथ बनाया जाता है। जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उन्हें पता है ये डुबकी की सब्जी से कहते हैं, क्योंकि ये ना जो बड़ी होती है ना ये रस में डूबी हुई होती है। ये तो एक अलग सब्जी बन गई, इसकी भी रेसिपी मेरी वीडियो में डली हुई है, देख लीजिएगा कभी। ये इसको हम क्या है ना 10 से 15 मिनट बस पकाएंगे, बहुत अच्छे से पक जाती है और ये फूल जाती है। ये तो एक अलग सब्जी बन ही गई ना, मैं इसी सब्जी में मिक्स वेज बनाऊंगी, देखिएगा कैसे बनती है। देखिए कितना अच्छे से फूल गई है। अब इसको थोड़ा और पकाना है, इस तरह से देखिए बहुत जल्दी ये पक जाती है, इस तरह से देखिए। इसमें मैं थोड़ा धनिया पत्ती डाल दूंगी, इस तरह से
ये क्या ना ठंडी में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि टमाटर बहुत मिलती है और सस्ती भी होती है और बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। इस तरह से देखिए डुबकी की सब्ज़ी ये बन गई, इसी तरह से बनती है ये डुबकी। अरे देखिए मैंने जो कुकर में सब सब्ज़ी डाल के एक सीटी दिया था और लास्ट में फूल गोभी और शिमला मिर्च डाली थी ना, इन सब को इस डुबकी की सब्ज़ी के ऊपर इसको डाल दी। अब इसको मस्त से मिला लेना है इस तरह से जैसे मैं मिला रही हूँ। देखिए अगर आप होता है ना कि बड़ी के हमारे पास नहीं है और बहुत खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से सब्ज़ी बनाइए, बहुत मस्त लगेगी। मैं अक्सर ये बनाते रहती हूँ, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आती है। और छत्तीसगढ़ में मेरी बचपन तो वहीं बीती हुई है, बहुत ज़्यादा वहाँ बनाया जाता है इस सब्ज़ी को, बहुत पसंद किया जाता है। मैं यहाँ सब्ज़ी डाल दी ना, वहाँ सब्ज़ी नहीं सिर्फ उड़द की दाल के साथ ही बनाते हैं बहुत अच्छा से। और देखिए मैं ऊपर से और थोड़ा धनिया डाल दी और कितनी अच्छी ये बनती है। आप इसको क्या है ना पूड़ी के साथ खा सकती हैं, पराठे के साथ खा सकती हैं, रोटी के साथ खा सकती हैं, चावल के साथ भी सिर्फ खा सकती हैं, बहुत ही मस्त लगती है। इसको मैं इसी तरह से देखे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा कम आँच में इसको बहुत अच्छे से पका दूंगी, ताकि एक दूसरे के साथ इसका रस और ये मसाले का फ्लेवर एक दूसरे में बहुत सुंदर से मिल जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। देखे देखने में कितनी अच्छी लग रही है, जितनी ये देखने में अच्छी लगती है ना उतनी ज़्यादा ये खाने में अच्छी लगती है। खाने का मज़ा जो है ना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार आप इसको इस तरह से बना के देखेगा डुबकी की सब्जी। ये मेरी डुबकी की सब्जी है देखे इस बॉल में, और यहाँ मैं देखे गरम चावल रखी हुई हूँ, तो सलाद है, तो धनिया और टमाटर की ये चटनी है। इसके साथ खाइए, थोड़ा अचार भी ले लीजिए, बहुत मस्त लगती है चावल के साथ भी सिर्फ खाने में। अगर आपको मेरे मिक्स भेज संग डुबकी की सब्जी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।